मटन खाने का मन था पर कटहल मिल गया बनाने के लिए, तो चलिए बनाते हैं इसे। अब ये है उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स और अब इसकी मेकिंग देखते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत दिन के बाद वीडियोस बना रही हूँ क्योंकि मैं एक शादी में बिजी थी। तो खैर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो सबसे पहले हम लोग आलू कटहल को अच्छे से धो लेंगे और एक प्याज को ये ऐसे ही एक कटोरे में डाल के अच्छी तरीके से सबको हम लोग प्रेशर कुकर में बॉईल करेंगे। मेरा आज के दिन बहुत ज़्यादा मन हो रहा था मटन खाने के लिए, लेकिन ये मतलब हमारे एरिया में मटन मिला ही नहीं। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले कि तुम ही ना बोलती हो कि ये तुम्हारे लिए मटन है, तो चलो अब इसी को मटन की तरह बनाओ। तो फिर मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते हैं, मटन जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो फिर इसके बाद अब मैंने आलू कटहल और प्याज तीनों को अच्छी तरीके से सीटी लगा के उबाल लिया है। और अब उसके बाद हम लोग एक कढ़ाई लेंगे। तो जो ये सब्ज़ी है ये मैंने सिंपल सिर्फ दो स्टेप्स में बनाए हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो मेरा यही था कि मैंने तीनों को बॉईल कर लिया, बॉईल करने में मेरा 50% काम हो गया। अब हम लोग स्टेप टू में क्या करेंगे कि जो भी हम लोग का आलू कटहल और प्याज है तीनों को अच्छी तरीके से तेल में फ्राई करेंगे हल्का हल्का नमक डाल के। तो अभी मैंने सबसे पहले कटहल को फ्राई कर लिया है, अब इसके बाद हम लोग आलू को करेंगे, फिर सबसे लास्ट में हम लोग प्याज को करेंगे। तो जो मैं शादी में गई थी तो वहाँ पर मतलब इतना बिजी हो गई थी कि मुझे वीडियो शूट करने का या बनाने का या फिर कुछ भी इससे रिलेटेड कामों को एक समय ही नहीं मिल पा रहा था। मुझे बहुत गिल्टी फील भी हो रहा था कि मैं अपना खुद का काम नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि एक होता है ना कि अपना काम अपना ही होता है, चाहे आप लाख किसी के भी काम में घिरे रहो लेकिन आपको एक टीस जरूर मारती है कि आप अपने काम से बहुत दूर हो गए हो। तो वो टीस मतलब मेरे अंदर इतना घर कर गई कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो आप लोग का जो भी ये रिस्पॉन्स रहे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब वीडियोस बनाना, आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ लाना, ये मेरा एक काम ही हो गया है और मैं इसे पूरे पूरे अपने मन से करती हूँ, चाहे आप लोग उसे सपोर्ट करो या ना करो। लेकिन एक गुजारिश ज़रूर है कि एक सपोर्ट ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ और मुझे भी थोड़ी बहुत अप्रिसिएशन की ज़रूरत है जो कि आप लोगों से बहुत मिलती है। तो अब ये देखिए मेरा आलू भी जो है वो अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। अब हम लोग का टाइम आ गया है प्याज को फ्राई करने के लिए। तो प्याज में ही हम लोग ग्रेवी बनाएंगे, तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले ये तेल डालेंगे उसमें, फिर जो भी खड़े मसाले हैं गरम मसाले में जो भी खड़े हैं जैसे कि दालचीनी, इलायची और तेज़पत्ता और एक सूखी मिर्च, बस। फिर उसके बाद प्याज को डाल के इसे हम लोग लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। और ऐसे भी आप सब्जी चाहे किसी भी चीज़ की बनाओ, कब फ्लेम कभी तेज़ मत रखो, क्योंकि उससे सब्जी पकता ज़रूर है लेकिन सब्जी में स्वाद नहीं आता है। और मैं अपने हर एक वीडियोस में ये चीज़ आपको ज़रूर बताती हूँ कि चाहे आप किसी चीज़ की सब्ज़ी बनाओ, जल्दी किसी ये रेसिपी में मत करो, क्योंकि हमेशा जल्दी का काम शैतान का होता है। तो अब ये देखिए मेरा जो ये प्याज है, ये जब हल्का ब्राउन होने लगा था तो मैंने उसमें एक टमाटर काट के डाल दिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ा टमाटर से ज़्यादा ही प्रेम है। वो सैलेड में भी टमाटर, सब्जी में भी टमाटर, उनको हल्का खट्टापन जब तक टेस्ट नहीं आता तब तक मज़ा नहीं आता है। तो फिर मैंने भी टमाटर उसमें काट के डाल दिया, क्योंकि टमाटर डालने से ऐसा नहीं कि टेस्ट ख़राब हो जाए कुछ भी, पर टेस्ट एक बहुत अच्छा आता है। और मेरा जो सब्जी है इसमें एक अलग ही अच्छी खुशबू आ रही थी, जैसे शादी पार्टी वाले सब्जी में कैसे आती थी। तो मुझे तो मेरे हस्बैंड बोल भी रहे थे कि ये मतलब कि तुम्हें तो मैंने बोला था कि शादी पार्टी की तरह बना दो, तुम तो सही में बना दी। अब और मुझे थोड़ी बहुत हंसी भी आ रही थी कि यार तो अब इसमें हम लोग जो भी हम लोग के ये मसाले हैं, गरम ये मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और ये हल्दी पाउडर और थोड़ा सा ये गरम मसाला इसमें डाल के अच्छी तरीके से हम लोग मसाले को तेज फ्लेम पे भून लेंगे जब तक पानी नहीं सूखे। तो मसाले भूनते समय थोड़ा पेशेंस रखें, जब पानी सूख जाए तो तुरंत आप फ्लेम को लो टू मीडियम कर दो कि मसाला जो है वो जलना स्टार्ट ना, क्योंकि वो जब मसाले जल जाते तो अच्छा टेस्ट नहीं करते हैं।
तो इसी तरह फिर जब मसाला हम लोग का अच्छी तरीके से भुन जाएगा, फिर हम लोग इसमें आलू कटहल हम लोग का जो है उसे डाल के अच्छी तरीके से मिला लेंगे और फिर पानी डाल देंगे। और अब पानी डालने के बाद बस हम लोग इसको हाई फ्लेम या फिर लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए रखेंगे और फिर हम लोग का गर्मा गर्म मटन स्टाइल कटहल की सब्ज़ी रेडी है। तो कैसी लगी वीडियो आप लोग को?